शिया सेंट्रल वर्क बोर्ड की चेयरमैन वसीम रिजवी के गुनाहों का घड़ा भर गया। भ्रष्टाचार के आरोपों से सर से पांव तक डूबे हुए वसीम रिजवी को आखिर शिया सेंट्रल वर्क बोर्ड के चेयरमैन से हाथ धोना पड़ा। पिछले 15 साल से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के पद पर जमे रहने के लिए भ्रष्टाचार और अभिनियमितताओं के साथ साथ घटियापन की सभी सीमाएं लांघने वाला वसीम रिजवी आखिर न घर का रहा न घाट का। आप जैसा नौजवान व्यक्ति आया है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? भाई, प्राथमिकताएं हैं कि जो वक्फ बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार था, जिसकी शिकायतें थी, उसको दूर किया जाएगा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाएगा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लैंड माफिया, वक्फ माफिया से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ज़मीनें छुड़ाई जाएंगी, लोगों तक इसके फ़ायदे बोर्ड की ज़मीनों के, इसकी आमदनियों के पहुंचाए जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे सारे सदस्य इस बात के ऊपर एकमत हैं और डट के लड़ने के लिए तैयार हैं। वसीम रिजवी 15 साल बाद शिया वक्फ बोर्ड जो है वसीम रिजवी से फ्री हो रहा है, तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों ने पहले ही लगाए हैं, तो किस तरीके से जांच कराएंगे, क्या होगा जांच? तो जैसे कि मेरी नॉलेज है कि सीबीआई जांच ऑलरेडी चल रही है पूर्व चेयरमैन के खिलाफ, और ये तो सीबीआई हमारे देश की सबसे उच्च जांच एजेंसी है, वो तय करेगी। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।